शुरू करते अपना फ्लूइड मैकेनिक्स। बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स में जो तुम बोल रहे हो एकदम सही है कि फ्लूइड मैकेनिक्स डील्स विथ फ्लूइड्स, बट व्हाट इज विद माय फ्लूइड? एनीथिंग विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग इज कॉल्ड एज फ्लूइड। फ्लूइड में इंक्लूड होगा लिक्विड या सिर्फ गैस या दोनों? दोनों भी बराबर, सबको सॉलिड लिक्विड गैस इसका मतलब समझता है। ओके इंपॉर्टेंट, ये पूरा सब्जेक्ट शुरू करने से पहले यूनिट, ओके क्योंकि बहुत कुछ मैटर करेगा यूनिट यूनिट यूनिट। सॉम में होप सो तुमको आता था अभी यूनिट कन्वर्जन, फिर भी अभी तक पूरी तरह तुम स्ट्रांग नहीं रहेंगे आई थिंक सो यूनिट कन्वर्जन में। सॉम और एफएम में एक डिफरेंस ये है कि सॉम में सब कुछ होता था एमएम में, मतलब हम स्ट्रेस का यूनिट एमपीए लिखते थे, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, बट एफएम में कुछ भी एमएम में नहीं है, एवरीथिंग इज इन मीटर्स। ओके मतलब अगर तुम स्ट्रेस लिखते हो तो स्ट्रेस का यूनिट जो तुम सॉम में एमपीए लिख रहे थे अभी एमपीए नहीं लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा पास्कल। व्हाट इज माय पास्कल? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये याद रखो बहुत काम की चीज, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये याद इसलिए रखो क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनका यूनिट पास्कल आता है, जैसे कि प्रेशर, ओके स्ट्रेस, बल्क मॉडुलस। ओके एफएम में अपने को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं लगेगा, रिजिडिटी नहीं लगेगा, लगेगा तो बल्क मॉडुलस, ठीक है के वो लगेगा। स्ट्रेस हम वहां पे सिग्मा से डिनोट करते थे नॉर्मल स्ट्रेस, अभी नॉर्मल स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं चाहिए, यहां पे सिग्मा मतलब होता है सरफेस टेंशन, ठीक है। स्ट्रेस लगेगा पूरे एफएम में लेकिन कौन सा, जो हमारा फेवरेट था टाउ, शियर स्ट्रेस, ओके वो लगेगा। देन ये पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसमें भी इंपॉर्टेंट है ये न्यूटन, सारी मुसीबत की जड़ है ये न्यूटन, ओके क्योंकि इतने सारे पैरामीटर है जिनका यूनिट न्यूटन है। बताएंगे जरा कौन से पैरामीटर? वेट, फोर्स, या किन किन यूनिट में न्यूटन आता है? वेट में आता है, फोर्स में आता है, प्रेशर में आता है, स्ट्रेस में आता है, और वर्क डन, वर्क डन का यूनिट जूल, जूल मतलब न्यूटन मीटर, फिर आया न्यूटन। पावर, पावर का यूनिट वैट्स, न्यूटन मीटर जूल पर सेकंड, मतलब न्यूटन मीटर पर सेकंड, मतलब फिर से आ गया न्यूटन। बहुत सारे पैरामीटर, तो ये मुसीबत की जड़ न्यूटन है। ओके अपने एफएम में और एक चैप्टर, स्पेशल चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस, सबको डायमेंशन समझता है, जो एमएलटी के फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं हम डायमेंशन। ये हम ध्यान से पढ़े इसलिए मैकेनिकल और सिविल दोनों को एक चैप्टर है डायमेंशनल एनालिसिस। वो पूरे चैप्टर में कोई फॉर्मूला नहीं है, सारा खेल सिर्फ इन डायमेंशन का है, एमएलटी एमएलटी एमएलटी। ओके फॉर एग्जांपल अब न्यूटन, न्यूटन तुमने किसका यूनिट बोला? फोर्स, फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन क्या लिखूं मैं? केजी मतलब लिखूंगा मैं एम, मीटर मतलब लिखूंगा एल, और ये हो जाएगा टी माइनस टू, सही है। इस पैटर्न को बोलते हैं हम डायमेंशन। फर्क कितना है कि ये चैप्टर मैकेनिकल वालों को ऑफलाइन में है डायमेंशन एनालिसिस, और सिविल वालों को ऑनलाइन में है। मैक और सिविल जो भी लोग हैं पूरा सिलेबस सेम है, सिर्फ चैप्टर जो ऑनलाइन में है किसी को ऑफलाइन में है, एक्सचेंज, दैट्स इट। ओके बाकी पूरा सिलेबस सेम। थोड़ा सा हम यूनिट कन्वर्जन पढ़ते पहले, उसके बाद अपना सब्जेक्ट शुरू करेंगे। कुछ बताएंगे तुम लोग यूनिट कन्वर्जन कैसे करें, कैसे कन्वर्ट करें एमपीए टू पीए, 10^-3 +6 -6 +3 -3 +6 -6, तो देखो सॉम बैक रहने के कितने ज्यादा चांसेस है ना? अच्छा पहले तुम बता दो फिर सब मैं बताता हूं। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर कन्वर्ट करना है मुझे किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कैसे करूं?
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 10^2 -3 कमान कमान, ये बेसिक हर एक सम में यूनिट कन्वर्जन होना है, याद रखो हर एक सम में। कमान कमान, 10^2 -1 +1 +5 -5, 1 से सीधा 5। हाँ 10^1, ठीक है। देखो बेसिक याद रख लो, सॉम में भी पहले दिन यही सिखाया था कि यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं। सीक्वेंस याद रखो, GPA उसके बाद होता है MPA, KPA, देन PA। सबको इतना तो समझता है कि GPA बड़ा है, MPA छोटा, KPA और छोटा, पास्कल सबसे छोटा है। ओके सिंपल लॉजिक, बड़े से छोटे पे आना है तो 10^2 प्लस, बड़े से छोटा 10^2 प्लस, छोटे से बड़ा 10^2 माइनस। सिंपल, कोई भी आ जाए, बड़े से छोटा प्लस। अब तुमको मैंने सबसे पहले सिंपल सवाल पूछा MPA टू PA, तुम्हें बड़े से छोटे पे आ रहा था तो 10^2 क्या होना है, प्लस तो कन्फर्म था, सही है। और रिलेशन 1000 1000 कितना हो गया, 6, एकदम सिंपल, ठीक। उसी तरह किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, mm, अगर मुझे mm टू सेंटीमीटर करना है, छोटे से बड़े पे जाना है, तो 10^2 माइनस, 1 सेंटीमीटर मतलब 10 mm है, मतलब 10^2 -1 था वो। अब न्यूटन टू किलो न्यूटन, मतलब हम क्या कर रहे थे, छोटे से बड़े पे जा रहे थे, तो वो आना था कन्फर्म था माइनस, रिलेशन था 1000 का, अपॉन mm टू सेंटीमीटर -1 बोला, उसका स्क्वायर होता तो वो होता -2, बराबर ऊपर आएगा तो +2, मतलब -3 +2, ये बनता 10^2 -1। सिंपल, ठीक। अब बताएंगे तुम लोग किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एकदम सिंपल। नाइन प्लस माइनस, -3 -3 और कोई, -3 से 9 के बीच में, -10^2 9 +9, थ्री या तो 9। एक बात बताओ, जैसे पास्कल का मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोला, मेगा पास्कल का मतलब क्या होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, बराबर ना। सॉम पढ़ के इतना तो समझा ना, ठीक है। और GPA का मतलब क्या होता है, किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है ना, तो सीधी भाषा में सीधा सीधा काम करते तो ये क्या था, GPA, और ये कौन था, पास्कल। तो GPA टू PA सीधा बड़ा जम था, 10^2 +9, नहीं समझता वैसे, कोई बात नहीं। किलो न्यूटन टू न्यूटन 10^3, mm टू मीटर 10^2, छोटे से बड़े पे जा रहे तो 10^2 -3, उसका स्क्वायर -6, ऊपर आएगा तो +6, एकदम सिंपल। ओके स्ट्रांग रखो, यूनिट कन्वर्जन स्ट्रांग रखो, पहली बात यूनिट स्ट्रांग रखो। तुम जितने यूनिट स्ट्रांग रखोगे, कुछ फॉर्मूले अपने आप बन जाएंगे, ओके और कुछ फॉर्मूले याद रखोगे तो यूनिट अपने आप बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब फॉर्मूला याद है, यूनिट अपने आप आ जाएगा, फोर्स न्यूटन, लेंथ मीटर, न्यूटन पर मीटर, एकदम सिंपल, वर्क डन। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन मतलब फोर्स, डिस्प्लेसमेंट मीटर, अपने आप आ गया न्यूटन मीटर।
और जितने जल्दी वो आएगा न्यूटन मीटर, उतने जल्दी तुम उसका डायमेंशन भी लिख सकते हो। एकदम एकदम आसान, वो चैप्टर पढ़ने का इतना सही तरीका है अगर तुमको यूनिट आते हैं तो। कोई फॉर्मूला नहीं, बिना फॉर्मूले का वो चैप्टर तुमको 6 मार्क एकदम आसानी से देख जाता है। ओके, इसलिए यूनिट स्ट्रांग रखो और याद रखो सब कुछ फॉलो करना है मीटर, एमएम कुछ भी नहीं। ठीक, अब अपना जो चैप्टर है एफएम में, फर्स्ट चैप्टर, कुछ शुरू हुआ अब तक कॉलेज में? नहीं। किसी को चैप्टर का नाम पता एटलीस्ट? नो कमेंट्स। ओके, फर्स्ट चैप्टर, द बेस्ट चैप्टर ऑफ एफएम, फ्लूइड प्रॉपर्टीज। ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एफएम का, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जितने भी प्रॉपर्टीज यूज होने वाले हैं अपने सब्जेक्ट में, सारे प्रॉपर्टी इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस होंगे। कौन से प्रॉपर्टी, कुछ नाम पता है? विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी, ये कौन सा डेंसिटी है? हाँ, स्पेसिफिक वेट है, सिर्फ डेंसिटी है, मास डेंसिटी बोलते हैं उसको। हाँ, और स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल लिया। हाँ, और अभी तो बोला सरफेस टेंशन। हाँ, और ऑलमोस्ट 10 प्रॉपर्टी पढ़ने हैं, 10 प्रॉपर्टी पढ़े, उनका फॉर्मूला, उनका यूनिट, उनका न्यूमेरिकल, चैप्टर खत्म। ओके, और कैपिलरिटी पढ़ा था ना बचपन में? हाँ, कैपिलरिटी, बल्क मॉडुलस तो पढ़ चुके हम सॉम में, यहाँ पे उसका कुछ पार्ट होता है कॉम्प्रेसिबिलिटी। ओके, और नाम सुना रहेगा वेपर प्रेशर। ठीक, ऐसे कुछ प्रॉपर्टी पढ़ने हैं अपने को इस चैप्टर में। ठीक, क्या होता है डेंसिटी? मास पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट क्या होगा? केजी पर मीटर, वॉल्यूम बोला तो मीटर क्यूब, बराबर। अब पानी बहुत कुछ रिलेट करता है अपने पानी से, एफएम में पानी का डेंसिटी कितना? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। एयर का 1.2, नॉट 1.2 या 1.21 लिखते हैं, नॉट 1। ओके, डेंसिटी को डिनोट किससे करते हैं? रो। तुमने बताया मास अपॉन वॉल्यूम, केजी पर मीटर क्यूब। और एक बात बताओ, 1 मीटर क्यूब मतलब कितना लीटर? ये बहुत काम आने वाला है, सोच समझ के जवाब दो। 1 मीटर क्यूब = 1 लीटर, 100 लीटर, 10^-3 और 10^+3। 1 मीटर क्यूब = पूछा है, या सिर्फ 1 लीटर? 10^2। याद रखो 1 मीटर क्यूब = 1000 लीटर्स, बहुत काम की चीज, बहुत काम की चीज, क्योंकि अपन एफएम में फ्लूड जब मेजर करेंगे वो लीटर में मेजर करते हैं, तो लीटर और मीटर क्यूब, और अपन लीटर के साथ कभी भी हम यूज नहीं करते लीटर को, हम यूज करते हैं मीटर क्यूब को। ओके, लिखवाता हूँ लिखवाता हूँ, रुक जाओ। दूसरा, फॉर वाटर 1 लीटर = हाउ मच केजी? फॉर वाटर 1 लीटर = कितना केजी? 1 केजी। क्यों? डेंसिटी 1000 है इसलिए। मर्क्यूरी का डेंसिटी कितना? 13600। तो उसके लिए नहीं रहता क्या ये 1 लीटर = 1 केजी? अच्छा, फिर ऑयल कोई रहेगा, ऑयल का डेंसिटी 800 रहेगा, तो तब भी नहीं रहेगा। 1 लीटर = 1 केजी फॉर वाटर, एकदम सही है, याद रखो और काम की चीज, 1 लीटर = 1 केजी ओनली फॉर वाटर।
बिकॉज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज वन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज वन. सवाल ये रहेगा तुम्हारा, व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, पढ़ेंगे हम. ओके, ये फ्लूड में पानी बहुत तकलीफ देगा. दो चीज़ें, एक पानी और दूसरा मर्क्यूरी, तकलीफ देने वाला है. ओके, जैसे कि मर्क्यूरी, जो भी प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस है अपने, कौन से प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस, थर्मोमीटर हो गया, थर्मोमीटर अपने एफएम में तो नहीं आता, मैनोमीटर. ओके, मैनोमीटर, जितने भी मैनोमीटर सब में मोस्ट प्रोबेबली यूज़ करते हैं मर्क्यूरी. और मर्क्यूरी आया तो उसके थोड़े बहुत प्रॉपर्टी, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसका डेंसिटी, वो थोड़ा पता रहना चाहिए. और ये चीज़ें क्वेश्चन नहीं देता, बाय डिफॉल्ट हमको पता रहना चाहिए. ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर पता रहना चाहिए. ठीक, एनी कमेंट अबाउट विस्कोसिटी डिनोटेड बाय म्यू, जो अपना सॉम में था पॉइजन रेशो. ठीक, यहाँ पे वो विस्कोसिटी है. हाँ, क्या बोल रहे थे, अपोजिशन टू या रेजिस्टेंस टू फ्लो. हाँ, और कोई कुछ यूनिट उसका, पॉइस, बड़े बड़े यूनिट. हाँ, पॉइस और एक विस्कोसिटी होता, उसका नाम किसी ने लिया नहीं. प्रॉपर्टी जब बताया तुमने, डायनामिक विस्कोसिटी और काइनेमैटिक विस्कोसिटी, कि काइनेटिक विस्कोसिटी कि एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, बहुत सारे हैं. ये फर्स्ट चैप्टर में याद रखो, फर्स्ट चैप्टर को एकदम अच्छे से पढ़ो. क्यों, फर्स्ट चैप्टर में जितनी प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टी ऐसे हैं जिनके दो दो नाम हैं, चार चार नाम हैं. ओके, किसी का सिर्फ एक ही नाम है, तो हर एक का नाम और हर एक के अलग अलग यूनिट है. जैसे अब तुम विस्कोसिटी बोल रहे हो, उसका यूनिट एक्चुअली आता है पास्कल सेकंड. तो पास्कल सेकंड है तो पास्कल को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं. तो ये बना न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो. और जो तुमने अभी बताया पॉइस, वो भी होता है. पॉइस का दूसरा भाई होता है सेंटीपॉइस. ओके, वो भी है. तो हर एक के नाम अलग है और यूनिट भी अलग अलग है, तो वो मेमोराइज करना है. तो अपन अगले 10 दिन तक डेली आके पहले बम्बार्डिंग करते रहेंगे तुम पे, कि ये क्या है, फॉर्मूला क्या है, यूनिट क्या है, इसका स्टैंडर्ड वैल्यू कितना है, वही चलता रहेगा. ताकि वो पूरे 6 महीने में तुम भूलो नहीं. ठीक है, ये म्यू, जिसका नाम क्या बोला हमने, विस्कोसिटी, उसी का नाम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, उसी का नाम डायनामिक विस्कोसिटी, उसी का नाम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. मतलब इसके टोटल 4 नाम, विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड डायनामिक विस्कोसिटी. और इसका दूसरा भाई होता है जिसको न्यू से डिनोट करते हैं, नॉट वी, कॉल्ड एज न्यू. ओके, और ये होता है काइनेमैटिक विस्कोसिटी. इसको दूसरा कोई नाम नहीं है, एक ही नाम है, काइनेमैटिक विस्कोसिटी. ओके, तो ये चीजें मेमोराइज करना. ऑनलाइन में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, काइनेमैटिक विस्कोसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नन ऑफ द अबव. अभी तो पढ़ लिया लेकिन एक बात बता रहा हूँ, ऐसा भी है. ओके, लिखते थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन, फिर चैप्टर के नाम लिखते, फिर शुरू करते चैप्टर. ऊपर हेडिंग देना यूनिट कन्वर्जन. और एक आखिरी चीज बताना यूनिट कन्वर्जन में, हाउ टू कन्वर्ट पास्कल टू बार, टेन टू फाइव ना, इट्स रॉन्ग आंसर, 10^-5. बस बार टू पास्कल नहीं पूछा, क्या पूछा है, पास्कल टू बार. बी केयरफुल. ओके, बी केयरफुल, लिख देना चाहिए यूनिट कन्वर्जन. ये पार्ट लिखना, ये जो लिखा हुआ है,
डन हुआ गया, डन। ये लिख के रखते नीचे, डन। अब ये 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10^3 लीटर्स। नीचे 1 bar इक्वल टू 10^5 पास्कल। अब अगर तुमको बोला 10 bar प्रेशर है, कितना एमपी है? वन एमपी है। और 100 सिंपल था। देखो डायरेक्ट जम मारने जमे तो ठीक है, नहीं तो बेसिक से जाओ। बार बार को पहले पास्कल करूंगा मैं, कैसे? 10 × 10^5। अब ये क्या बन गया? पास्कल। अब मुझे क्या करना है उसको? मेगा पास्कल। पास्कल टू मेगा पास्कल 10^-6। तो क्या बचा? 10^-1, मतलब 1 बचा ना। क्लियर? क्लियर? ठीक है, फिर से एक बार। क्लियर ना? ठीक है। बार टू पास्कल बोला है 10^5। बार टू मेगा पास्कल डिवाइड बाय 10 करना है, डिवाइड बाय 10 करना है। तो 10 bar डिवाइड बाय 10 कितना बचा? 1 MPa। क्लियर? ये सवाल भी ऑनलाइन में मिलेंगे, याद रखो। ओके लिखते हैं चैप्टर के नाम, लिखते हैं मैकेनिकल के हिसाब से बता रहा हूं मैं। चैप्टर के नाम सेम ही है, यूनिट सिर्फ अलग है। ओके मैकेनिकल के हिसाब से बताता हूँ। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 1, 4 चैप्टर हैं इस यूनिट में। फर्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। सेकंड, फ्लूइड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। फ्लूइड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। थर्ड, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। थर्ड, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। फोर्थ, बॉयंसी, BUOYANCY, बॉयंसी। बॉयंसी मतलब जो भी हम फ्लोट करने वाली चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, कि वो एक मेटल बॉल पानी में डुबा दिया तो वो जाएगा नीचे या ऊपर आएगा या इन बिटवीन कहीं रहेगा, ये जो पूरा कंसेप्ट है उसको बोलते हैं बॉयंसी। ओके आगे यूनिट 2, एक ही चैप्टर, काइनेमैटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। काइनेमैटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। नेक्स्ट यूनिट 3, एक ही चैप्टर, फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स। नेक्स्ट यूनिट 4, फिर से 2 चैप्टर, उसमें फर्स्ट है लैमिनार फ्लो, LAMINAR, लैमिनार फ्लो, और दूसरा है
टर्बुलेंट फ्लो, TURBULENT, टर्बुलेंट फ्लो। यूनिट 5, अगेन 2 चैप्टर्स। पहला, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस। दूसरा, फ्लो थ्रू पाइप्स। फ्लो थ्रू पाइप्स, ये सबसे बेस्ट चैप्टर होगा फ्लूइड मैकेनिक्स का, बिकॉज इस चैप्टर में जो भी अपने पाइप्स होते हैं, पाइप्स इन सीरीज, पाइप्स इन पैरेलल, वो सब कुछ है। पाइप के कई अपने डायमीटर सेम रहते हैं, कई अचानक से कम होते हैं, कई बढ़ जाते हैं, सडन एक्सपांशन, सडन कॉन्ट्रैक्शन, वो सब कुछ इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा कि क्यों ऐसा होता है। ओके, नेक्स्ट, यूनिट 6, अगेन 2 चैप्टर्स। फर्स्ट इज बाउंड्री लेयर थ्योरी। बाउंड्री लेयर थ्योरी, बाउंड्री लेयर थ्योरी। एंड लास्ट चैप्टर, अब जो लास्ट चैप्टर बोल रहा हूँ वो सिविल वालों को नहीं है, ओके, सिर्फ मैकेनिकल को। फोर्सेस ऑन, फोर्सेस ऑन इमर्ज्ड बॉडीज। फोर्सेस ऑन इमर्ज्ड बॉडीज, तो टोटल कितने हुए? 12, 12 ना? ओके, टोटल 12 चैप्टर पढ़ने हैं, वो जाने दो 12। इंपॉर्टेंट ये है कि पहले ऑनलाइन के लिए 5 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है, वो ज़्यादा टेंशन का काम है। फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर और हर एक में तकलीफ होने वाला है, हर एक में उससे पहले फर्स्ट चैप्टर ज़्यादा तकलीफ देने वाला है, क्योंकि बहुत कुछ है, बहुत ह्यूज सिलेबस। और शायद तुमको पता है डेट आ चुका है एग्ज़ाम का, 30 जनवरी, बराबर। तो देखने जाओ तो दिसंबर तो ख़त्म हो गया, सिर्फ जनवरी, 1 महीना, तो बहुत कुछ पढ़ना है, और पढ़ के MCQ भी सॉल्व करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, क्योंकि MCQ कुछ शॉर्टकट होते हैं, वो MCQ में ही समझेंगे। ओके, तो इसलिए अपन छुट्टी वगैरह नहीं देते, फुल फ्लैश पढ़ना शुरू करते हैं। लिखते हैं, टाइटल दो, फर्स्ट चैप्टर फ्लूइड प्रॉपर्टीज। फ्लूइड का मतलब तो बताया कि एनीथिंग विच इज कैपेबल ऑफ फ्लो। नाउ व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स? कोई तो बता रहा था थोड़ी देर पहले, इट डील्स विथ वगैरह वगैरह कुछ तो बोल रहा था, जो फ्लूइड स्टैटिक्स में भी होगा और फ्लूइड डायनामिक्स में भी होगा, और कुछ? ओके, तुम मशीनरी में क्यों जा रहे हो बार बार? पहले फ्लूइड पे तो आओ, ठीक, मशीनरी बहुत दूर है, कैरेक्टरिस्टिक तो पढ़ना ही है अपने को। फ्लूइड मैकेनिक्स अपना जो है इंक्लूड करता है 2 पार्ट, एक तो फ्लूइड स्टैटिक्स, जो स्टैटिक कंडीशन में फ्लो नहीं होगा, और एक डायनामिक्स जो फ्लो होगा, वो दोनों पार्ट पढ़ने हैं अपने को। जैसे कि हमने लिखा भी अपने चैप्टर के नाम में, एक चैप्टर का नाम लिखा है हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, मतलब वो फ्लो नहीं होगा, और एक का नाम लिखा है फ्लूइड डायनामिक्स, जिसमें वो फ्लो होने वाला है, बराबर। सेम एज मैकेनिक्स, 2 पार्ट थे ना मैकेनिक्स में, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। डायनामिक्स के फिर से 2 पार्ट निकलते थे, काइनेटिक्स एंड काइनेमैटिक्स। हाँ, ये बताना जरा क्या था काइनेटिक्स और क्या था काइनेमैटिक्स? काइनेटिक्स में फोर्स, फोर्स कंसिडर करते हैं काइनेटिक्स में, और काइनेमैटिक्स में ओनली मोशन, कि उल्टा, सही है, और कोई? सही है, सिंपल याद रखो, तुम इतना फोर्स वगैरह कंसिडर कर रहे हो, सिंपल याद रखो, दोनों में सबसे मेन डिफरेंस, सबसे मेन डिफरेंस दोनों का स्पेलिंग, ठीक है, सबसे बेस्ट याद रखो। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं स्पेलिंग? बिकॉज काइनेटिक्स के स्पेलिंग में M नहीं है, और काइनेमैटिक्स में
एम है, बराबर। तो एम नहीं है तो याद रखना मास इज कंसिडर, और एम है मास इज नॉट कंसिडर, एकदम सिंपल। ओके, काइनेमैटिक्स मतलब मास इज नॉट कंसिडर, काइनेमैटिक्स मतलब मास इज नॉट कंसिडर, उल्टा है, ठीक है। और दोनों में से एक ही याद रखो बेस्ट रहेगा। ये याद रख लोगे तो जो दो विस्कोसिटी है, एक डायनामिक विस्कोसिटी है और एक काइनेमैटिक है, ना कि काइनेटिक है, क्योंकि डायनामिक बोला तो उसमें मास आने वाला है और काइनेमैटिक बोला तो मास नहीं आने वाला है, तो ये रखने याद रखने में आसान रहेगा। ओके, काइनेमैटिक मतलब मास इज नॉट कंसिडर, सिंपल। ओके, अब अपने प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। पहला प्रॉपर्टी जो तुमने बोला डेंसिटी, क्या बोला तुमने, मास अपॉन वॉल्यूम, केजी पर मीटर क्यूब। मैं चाहूँ तो इसका डायमेंशन भी लिख सकता हूँ, केजी मतलब एम एल माइनस थ्री, बराबर। पानी के लिए बोला तुमने 1000 ना, एंड एयर के लिए बोला 1.2। दूसरा प्रॉपर्टी, इसका नाम क्या बोला, तीन नाम है इसके। ओके, तीन नाम, पहला नाम डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी नहीं, एक डेंसिटी मास डेंसिटी और तीसरा स्पेसिफिक मास। ओके, स्पेसिफिक मास। अब मैं दूसरा प्रॉपर्टी कंसीडर कर रहा हूँ जिसको डिनोट करते हैं भाई गामा, ये कौन था, मास डेंसिटी। अब ये वेट डेंसिटी, तो वेट डेंसिटी तो क्या होगा, ये वेट अपॉन वॉल्यूम, मास अपन वॉल्यूम मास डेंसिटी, वेट अपन वॉल्यूम वेट डेंसिटी, मास अपन वॉल्यूम स्पेसिफिक मास, वेट अपन वॉल्यूम स्पेसिफिक वेट। आ गया दूसरा नाम। ओके, मास अपन वॉल्यूम मास डेंसिटी, मास अपन वॉल्यूम स्पेसिफिक मास, वेट अपन वॉल्यूम वेट डेंसिटी, वेट अपन वॉल्यूम स्पेसिफिक वेट। यूनिट क्या रहेगा, वेट का यूनिट अभी तुमने बोला था न्यूटन, अपने आप यूनिट आ जाएगा, बेसिक पता है तो, सही है। अब देखो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वेट डब्ल्यू मतलब क्या, एम जी, मैंने लिख दिया एम इंटू जी अपन वॉल्यूम, ये कौन हुआ, रिलेशन मिला गामा इक्वल टू रो जी, बहुत काम का रिलेशन, बहुत काम का, क्लियर। अब मुझे अगर पानी के लिए गामा निकालना है, निकाल सकता हूँ मैं, पानी का डेंसिटी 1000 इंटू, तो आ गया, सही है। ओके, ये याद रखो ये तीन वैल्यूज बहुत कंफ्यूज करते हैं, 1, 1000 और ये 9810। सबको पता है तीन प्रॉपर्टी पानी के हैं, नाम में गड़बड़ है, सिर्फ यार याद है पानी का कुछ तो भी वन है, पानी का कुछ तो भी 1000 है और कुछ तो भी 9810 है, लेकिन उसमें गड़बड़ है। ओके, क्लियर, दोनों प्रॉपर्टी क्लियर। और ये मुझे पता है रिलेशन, तो मैं एयर का भी निकाल सकता हूँ, बराबर। एयर का इतना ज़्यादा पाला नहीं पड़ेगा अपने से, अपना वाटर से ज़्यादा, तो याद रखेंगे 1000, याद रखेंगे 9810। एक बार फिर से बताएंगे, गामा का नाम क्या है, स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी, रो मास डेंसिटी, स्पेसिफिक मास मास डेंसिटी, सही है। वाटर के लिए 1000, गामा वाटर 9810, क्लियर, लिख। मैकेनिकल वाले सिविल वाले बुक्स आ गए हैं तुम्हारे, बुक्स ले लो। ओके, अभी बोल रहा हूँ मैकेनिकल वाले, सारे बुक टेक्निकल याद रखना, अभी बोल रहा हूँ, दूसरा बुक फॉलो करके बहुत तकलीफ होने वाला है, बाकी तुम्हारी मर्जी, ठीक है। क्योंकि सिलेबस जो चेंजेस हुए हैं, बाकी लोगों के बुक्स देखे आज आए कुछ लोगों के, न्यू सिलेबस के हिसाब से अपडेटेड नहीं है बुक्स, स्पेसिफिक
स्पेशली टॉम, देन मेटलर्जी, बहुत ह्यूज चेंजेस हुए हैं सिलेबस में, कुछ भी अपडेटेड नहीं है, तो बी केयरफुल। एंड इसमें लास्ट में पूरे पेपर दिए हुए हैं अप टू मई 16 या किसी सब्जेक्ट में दिसंबर 16 तक भी है, तो लास्ट में पेपर भी है, तुम पेपर पैटर्न भी देख सकते हो कैसे आता है। तुम्हारे एफएम में ओरल भी है शायद, पता है ना, है ना? और रेशो 26:24, ऑनलाइन जो फाइनल एग्ज़ाम होगा रिटर्न पेपर, पहले 4 यूनिट 24 और लास्ट के 2 यूनिट 26। ओके, टॉम में वैसा नहीं होता, टॉम में रेशो अलग है, टॉम में लास्ट के 2 यूनिट 30 मार्क्स है एंड पहले 4 यूनिट ओनली फॉर 20 मार्क्स। ओके, टॉम में लास्ट के 2 यूनिट टोटली ग्राफिकल है, स्केचबुक, ग्राफिक्स नहीं। ओके, ग्राफिक्स नहीं चाहिए, दूर दूर तक नहीं चाहिए, लेकिन एग्जाम में भी फुल हाफ इम्पीरियल शीट मिलता है, शीट पे ड्रॉ करना होता है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम, एंड यहाँ पे भी तुमको बड़ा स्केचबुक ला के ही ड्रॉ करना होता है, याद रखो। तो वो टॉपिक में बहुत सारे चेंजेस हुए थे, वो अदर जो भी बुक्स आए हैं वो लोगों ने फॉलो नहीं किए हैं, दैट्स वाई वो एक बार पढ़ लेना सिलेबस और खुद देख लेना कि वैसा है कि नहीं है, गलत नहीं बता रहा हूँ। ओके, और ऑनलाइन का अलग से बुक है, हर सब्जेक्ट में अराउंड 900 या 1000 MCQ है, आई थिंक सो मोर देन इनफ है, बराबर पढ़ना शुरू करो, टाइम कम है। पता है अभी तुम थोड़ा थक गए हैं, बहुत दिनों से पढ़ते ही आ रहे हैं, बराबर ना, कुछ जून जुलाई से पढ़ते ही आ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हो मन कहते हैं, दिल की तसल्ली के लिए, बाबा जून जुलाई से तो कॉलेज चल ही रहा है, छुट्टी मिलने का नाम ही नहीं है ना, छुट्टी मिला फिर ऑनलाइन आ गया, ऑनलाइन भी बहुत लंबा खींच गया तुम्हारा, 4 दिन छुट्टी, फिर एक, फिर 4, फिर एक ऐसा, और अभी फिर से शुरू, सेकेंड ऑनलाइन होने तक तुम रिलैक्स नहीं होने वाले हो, याद रखो, सेकेंड ऑनलाइन होने तक, सेकेंड ऑनलाइन तुम्हारा होगा, सेकेंड ऑनलाइन का भी डेट आएगा, सेकेंड ऑनलाइन तुम्हारा फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, एज्यूम करके चलो 1 मार्च या 2 मार्च कन्फर्म, और उसमें भी फेब अपना छोटा ही रहता पहले से, बराबर 28 डेज और छोटा ही रहता, तो 30 जनवरी से तो 4 तारीख तक तो एग्ज़ाम ही चलेगा, उसके बाद और 30 दिन में और 2 यूनिट पढ़ने हैं, तो भाग मिलका भाग कंटिन्यू है, ठीक है, सेकंड ऑनलाइन तक, उसके बाद थोड़ा सा सांस लेने को टाइम मिलेगा, फिर तुम ज़रा फॉर्म में आएंगे, तो अभी थकने का टाइम नहीं है, अभी भागने का टाइम है, याद रखो, क्योंकि डैमेज कर जाएगा ऑनलाइन एग्ज़ाम, बड़ा डैमेज कर जाएगा, 50 मार्क छोड़ो मत। और FM का ओरल तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, जो मर्जी वो सवाल है FM के ओरल में, जो मर्जी मछली सांस लेता है बबल बड़े बड़े क्यों होते जाते हैं मच्छर पानी पे जब चलता डूबता नहीं, ओके, फ्लोट भी नहीं करता, जिंदा जिंदा मच्छर भी चल पाता है, क्यों ऐसा, है ना, जो जो मर्जी वो सवाल FM के ओरल में ओके, चांद पे प्रेशर कितना रहता, अभी आपने सिलेबस में किधर से आया है ना, देख जनरल नॉलेज, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू प्रेशर देन फ्लो, एवरीथिंग इज इन आवर सिलेबस। ओके, तो जनरल नॉलेज पे भी बहुत कुछ पूछा जाता है, तो जनरल नॉलेज रखो थोड़ा सा। देन कई लोगों का तो ओरल वो जो अपना क्रिकेट बॉल होता है वो बॉलर घसता ही रहता है ना, क्यों, तो अपन बोलते हैं स्विंग होगा, तो है ना कैसे क्या स्विंग होता है, ऐसा सवाल है ना, एक तरफ शाइन एक तरफ बिना शाइन, तो कैसे क्या स्विंग होता है, क्या होता है उससे, फिर कई पूछते हैं वो गोल्फ बॉल में इतने सारे होल होल क्यों रहते हैं, बहुत कुछ सवाल है, तो अभी बहुत सोचना पड़ेगा तुमको, और गूगल पे सर्च करेंगे तो क्या सर्च करेंगे अपन सही है, तो इंटरेस्टिंग भी है अगर समझ जाए तो, और नहीं समझा तो फिर पास तो कुछ भी करके हो ही जाएंगे तुम, है ना, एंड सेपरेट पासिंग है पता है ना 2020, ठीक है चलो शुरू करते हैं, फ्लूइड प्रॉपर्टीज लिखते हैं उसमें, फ्लूइड इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस
विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, अ सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग. It can be classified as liquids and gases. Full stop. It is also classified as, it is also classified as ideal fluid and real fluid. Ideal fluid मतलब क्या, जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो फ्लूड में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब उसको विस्कोसिटी नहीं है, कंप्रेसिबिलिटी नहीं है, जितनी प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन नहीं है, उस फ्लूड को बोलते हैं आइडियल फ्लूड. और आइडियल फ्लूड कोई भी नहीं होता, जितने भी फ्लूड है सारे रियल फ्लूड्स हैं. ओके, मतलब प्रैक्टिकल फ्लूड्स. ठीक, लिखते आगे. फुल स्टॉप. आइडियल फ्लूड्स हैव नो विस्कोसिटी एंड नो सरफेस टेंशन. आइडियल फ्लूड्स हैव नो विस्कोसिटी एंड नो सरफेस टेंशन. फुल स्टॉप. रियल फ्लूड्स आर एक्चुअली अवेलेबल इन नेचर. फुल स्टॉप. नीचे लिखो. फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन. फुल स्टॉप. द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट इज कॉल्ड एज फ्लूइड स्टैटिक्स. कॉमा. द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन without considering the pressure forces is called as fluid kinematics and with considering pressure forces called as fluid dynamics. लीजिए टाइटल देना अभी. Properties of fluids. लिखते हैं. फर्स्ट डेंसिटी और मास डेंसिटी
और स्पेसिफिक मास। लिखता है इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ फ्लूइड, मास ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम। फुल स्टॉप, नीचे लिख दो, रो इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड, रो इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, केजी पर मीटर क्यूब। नीचे फॉर वाटर, फॉर वाटर रो इक्वल टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब एंड फॉर एयर, फॉर एयर 1.2 केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट सेकंड, वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट, वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट लिखते हैं। इट इज डिफाइंड एज वेट ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम, वेट ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम। लिखते नीचे गामा इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, इक्वल टू लिखो शॉर्टकट में लिख दो, गामा इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम न्यूटन पर मीटर क्यूब, इक्वल टू लिख दो नीचे एम जी अपॉन वॉल्यूम, इक्वल टू लिख दो रो जी। ओके नीचे लिख दो फॉर वाटर फॉर वाटर गामा इक्वल टू 1000 इंटू 9.81, 1000 इंटू 9.81 इक्वल टू 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम ये थोड़ा बहुत थर्मोडायनामिक्स में यूज किया रहेगा ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम वॉल्यूम पर यूनिट मास, इन शॉर्ट बोला जाए तो वन अपॉन रो, ये केजी पर मीटर क्यूब था तो ये होगा मीटर क्यूब पर केजी, डिनोट करते वी एस, ये ज्यादा यूज नहीं होगा, या फिर कई बार वन अपॉन गामा भी लिखते हैं, ये बस मास है, ये हो जाएगा वेट मीटर क्यूब पर न्यूटन, दोनों भी चलता है। ओके ऑनलाइन में ये ऑप्शन भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, या बोथ ए एंड बी, ये भी हो सकता है। ओके लिखते इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड occupied by occupied by a unit mass
इसे लिख दो वी एस इक्वल टू वन अपॉन रो मीटर क्यूब पर केजी और वी एस इक्वल टू वन अपॉन गामा मीटर क्यूब पर न्यूटन। फोर्थ प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, बहुत काम की चीज, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और दूसरा नाम कोई बताएगा? रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। तो देखो कितने सारे डेंसिटी हो गए अभी, मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी और अब आया ये रिलेटिव डेंसिटी। और कई बार एग्जाम में देते हो शॉर्ट फॉर्म में दिया जाता है RD, तो ब्रैकेट में उसको लिख के रखो कैपिटल RD। क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिनोट करते बाय S। लिखवाता हूँ लिखवाता हूँ, क्या होता है बोलो बोलो, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ आइडियल फ्लूइड नहीं बोलेंगे, स्टैंडर्ड फ्लूइड बोलेंगे। ओके, बिकॉज आइडियल फ्लूइड तो है ही नहीं, ठीक। डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन, वाटर। ओके, दिस इज फॉर लिक्विड्स। अगर मैं गैस बोलूँ तो मैं एस लिखूंगा, डेंसिटी ऑफ एनी गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड गैस, स्टैंडर्ड गैस एयर, ये भी याद रखेंगे। ओके, या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, वेट डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, चलेगा क्या, चलेगा कि नहीं? ये लिखा, ये लिखा, हाँ या ना, चलेगा कि नहीं, चलेगा पक्का? गामा इक्वल टू क्या था, रो जी ना, तो रो क्या हुआ, गामा बाय जी, दोनों में से अपॉन जी कैंसिल हो जाएगा ना, तो चलेगा ना, ठीक है। इसका फायदा ये होता है कि अगर तुमको किसी का भी डेंसिटी पता है तो तुम उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड कर सकते हो, या स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है तो उसका डेंसिटी फाइंड कर सकते हो। और अगर वाटर का ही स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करना है तो क्या करूँगा मैं अभी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर विल बी डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, मतलब भी वाटर, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर के लिए 1 हो गया। मैंने बोला था पानी का कुछ तो भी 1 है, कुछ तो भी 1000 और कुछ तो भी 9810, क्लियर, ठीक। मर्क्यूरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 या 13600, 13.6। अब अगर मुझे मर्क्यूरी का डेंसिटी चाहिए एज, तो मुझे उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है कितना, 13.6 इंटू क्या कर दूंगा मैं, 1000, क्या मिल जाएगा मुझे, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, समझा, एकदम एकदम सिंपल। और ओरली जवाब दे सकते हो तुम, अगर तुमको कोई पूछे, कोई लिक्विड है ऑनलाइन में, एक एक मार्क का क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 800 केजी पर मीटर क्यूब, देन इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज, डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 800 केजी पर मीटर क्यूब, देन इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 800 अपॉन 1000.8, बराबर। ये ओरली दे सकते हो, लेकिन अगर तुमको क्वेश्चन ये बोलेगा वेट डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 2000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज, डायरेक्टली बोल सकते क्या, नहीं, तब चुपचाप से कैलसीफे करने का। ओके, 2000 अपॉन 9810, चुपचाप से कैलसीफे करना। ओके, लेकिन इधर ओरली क्यों बोल सकते थे हम डेंसिटी के टर्म में, क्योंकि उधर बराबर 1000 है, तो बोलने के लिए आसान है, लेकिन गामा डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते, क्लियर, लिखते। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ
इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी और मास डेंसिटी, रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी और मास डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी और मास डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। फुल स्टॉप। इट इज यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस। फुल स्टॉप। फॉर लिक्विड्स स्टैंडर्ड फ्लूइड इज वाटर, फॉर लिक्विड्स स्टैंडर्ड फ्लूइड इज वाटर एंड फॉर गैसेस स्टैंडर्ड फ्लूइड इज एयर, स्टैंडर्ड फ्लूइड इज एयर। लिखते नीचे एस इक्वल टू S equal to rho fluid upon rho standard, rho fluid upon rho standard equal to gamma fluid upon gamma standard। इस लिख दो for water S equal to 1 and for mercury S equal to 13.6। ना चार प्रॉपर्टी पढ़े हमने, है ना, बिना देखे चारों को याद करते अभी, ठीक है। गामा के दो नाम क्या थे? स्पेसिफिक वेट, वेट डेंसिटी, रो वाटर 1000 केजी पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी का दूसरा नाम रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक वॉल्यूम का दूसरा नाम नहीं था बराबर, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब पर केजी, दूसरा यूनिट मीटर क्यूब पर न्यूटन। रो के तीन नाम डेंसिटी, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक मास। रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर के लिए 1, क्लियर। गामा वाटर 9810, याद रहेगा ना अच्छे से, ठीक है। नाउ सॉम में शियर स्ट्रेस पड़ा टाउ, क्या था वो? फोर्स पर यूनिट एरिया। वो तो जनरल डेफिनेशन हुआ स्ट्रेस का, शियर स्ट्रेस के लिए क्या? हाँ, शियर फोर्स पर यूनिट शियर एरिया, बराबर ना। शियर जोड़ा तो बोलना चाहिए ना, शियर फोर्स अपॉन शियर एरिया, यूनिट होगा पास्कल। सवाल ये, व्हाट इज मीन बाय शियर? और कोई टेंजेंशियल फोर्स, अप्लाइड
एग्जाम्पल पेपर पे अपन टेनिस कोर्ट जब लगा दे। देख समझ, तू ओरल दे रहा है एफएम का, मैं एक्सटर्नल हूँ। मैंने पूछा व्हाट इज चेयर, तूने ऐसा बोला। बाय डिफॉल्ट अगला सवाल क्या रहेगा, व्हाट इज मीन बाय टेंजेंशियल फोर्स। सही है, मैंने सब में भी बोला था, लोगों को बोला था ना ओरल में बोलते वक्त थोड़ा केयरफुल, वही बोलना, वही शब्द बोलना जिस शब्द के मीनिंग तुमको मालूम है, ठीक है? नहीं तो तकलीफ तुमको नहीं, बाजू वाले को है। तुम तो बोल के साइड में सरक गए। अब मैं उसको पूछेगा, तू बता व्हाट इज माय टेंजेंशियल फोर्स। गया है ना, बाहर आके बहुत गाली खाने पड़ती है, ठीक है? और दूसरा एक काम होता है ओरल में, जैसे मान लो पूछ लिया व्हाट इज चेयर, तीन लोग बैठे, लेफ्ट वाले को पूछा व्हाट इज चेयर, राइट वाले को पूछा व्हाट इज चेयर, दोनों ने कुछ तो अलग अलग बताया, बीच वाले को अब बता दोनों में से किसका सही है। मिडल पर्सन समटाइम्स ही इज कंक्लूजन पर्सन, ठीक है? तो इसलिए पहले तो अगर तुम बीच में आए कभी तो ध्यान से सुनते रहने का, क्या जो क्या बोला, तुम बोलेंगे नहीं मैंने तो सुना ही नहीं उसने क्या बोला, ठीक है? तो केयरफुल रहना ओरल में, आंख और कान एकदम शार्पली खुले रखना, ओके? शियर फोर्स, शियर एकदम सिंपल चीज, एकदम सिंपल चीज कि एक लेयर, जैसे बोला एकदम सही बोला है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर अगर स्लाइड करता है, स्लाइस स्लाइस बोलते हैं ना हम। एग्जांपल सॉम में भी दिया था कि बटर, अमूल बटर है एंड तुमको स्लाइस करना है, तो अगर हम एक हाथ में चाकू पकड़ के स्लाइस करने जाएंगे तो स्लाइस होगा नहीं ना, दूसरा हाथ लगाना पड़ेगा ना। एक हाथ में चाकू देकर बोला स्लाइस कर, होगा क्या? आगे आगे सरकता जाएगा ना बटर, बराबर? तो दूसरे हाथ से हम पकड़ेंगे तो ये हाथ अपोजिट फोर्स देगा, ये हाथ इस तरफ फोर्स देगा, तब जाके क्या होगा? स्लाइस। हम पेपर फाड़ते हैं, एक हाथ से पेपर फाड़ने को बोला तो फटेगा क्या? नहीं। अपने एक हाथ से इस तरफ फोर्स, एक हाथ से इस तरफ फोर्स, तब क्या होगा? वो शियर। दैट इज नॉट टेंजेंशियल फोर्स, ओके? टेंजेंशियल फोर्स मतलब सर्कल को टेंजेंट रहेगा तभी उसको हम टेंजेंशियल बोलेंगे ना, सही है? वो टेंजेंशियल फोर्स प्रोड्यूस करता है टॉर्क, जो हम शाफ्ट पढ़ते थे सॉम में, टॉर्शन था, ये टेंजेंशियल फोर्स आया, ये अबाउट दिस पॉइंट क्रिएट करेगा ट्विस्टिंग, ओके? दैट इज कॉल्ड एज टॉर्क, ये टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है? तो फ्लूड में क्यों शियर स्ट्रेस? बिकॉज एक लेयर फ्लूड का, मान लो मैंने यहाँ पे फ्लूड गिरा दिया तो क्या हुआ? एक लेयर स्लाइड करके गया उसके ऊपर, दूसरा लेयर उसके ऊपर, तीसरा लेयर, एंड सो ऑन। तो हर एक लेयर एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहा है? स्लाइड हो रहा है, तो स्लाइसिंग मोशन हो रहा है। स्लाइसिंग मोशन हो रहा है मतलब कौन सा स्ट्रेस आएगा? शियर स्ट्रेस। इसलिए हम वहां पे पढ़ते हैं टाउ। ये क्लियर? ओके। एक चैप्टर का नाम लिखा हमने लैमिनार फ्लो। व्हाट इज मीन लैमिनार? कंटिन्यूअस, इट्स अ प्रॉपर्टी बट नॉट एग्जैक्ट जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं कि तुम बताएंगे। एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, कई टैब ऐसे जिनमें फुल करने के बाद ही एकदम अच्छा फ्लो आता है। सही है। लैमिनार ये वर्ड क्रिएट होता है फ्रॉम लैमिने, अपन प्लाईवुड होता है ना, प्लाईवुड के लेयर्स होते हैं ना, लेयर्स है ना, लैमिने जो एक लेयर हर एक लेयर दिखता है ना अपने को, ठीक है? वो लैमिने है। तो जो फ्लूड लेयर 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 में फ्लो होता है, दैट फ्लूड या दैट फ्लो इज कॉल्ड एज लैमिनार फ्लो। और जो फ्लो जिगजैग मैनर में फ्लो होगा, जैसे अगरबत्ती से निकलता हुआ धुआं है ना, साइलेंसर से निकलता हुआ धुआं जिगजैग मैनर में फ्लो होता है, दैट फ्लो इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लो, ओके? जो सिस्टमेटिक फ्लो होगा दैट इज लैमिनार फ्लो, जो जिगजैग फ्लो होगा टर्बुलेंट फ्लो, ओके? तो हम फिलहाल में बात कर रहे हैं किसकी? सिस्टमैटिक। तो ये क्या है? लैमिनार फ्लो, ओके? और लैमिनार है तो
तो लेयर्स में फ्लूड फ्लो होगा, और लेयर्स में फ्लो होगा तो कौन सा स्ट्रेस आएगा? शियर स्ट्रेस आएगा। इतना क्लियर? ये इसलिए इतना डिटेल बता रहा हूं बिकॉज विस्कोसिटी का जो कंसेप्ट है वो पूरा जुड़ा हुआ है शियर स्ट्रेस के साथ। सॉम में और एक फॉर्मूला पढ़ा था, पावर। बोलो बोलो। हाँ, 2 pi NT/60। हाँ, सब निकालो बाहर, 2 pi NT/60 है ना। यूनिट क्या था? वैट्स। कैसे आता था ये फॉर्मूला? मैं पूछ रहा हूं, मैं टर्म्स के मीनिंग नहीं पूछ रहा हूं। गारंटी है मुझे तुमको टर्म्स आता रहेगा। एन मतलब आरपीएम, टी मतलब टॉर्क, एकदम एकदम मर मर के पढ़ा रहेगा, नो डाउट। मैं ये पूछ रहा हूं ये फॉर्मूला आया कहां से? ये सवाल है, फॉर्मूला आया कहां से? 2 pi NT/60 सही है, आया कहां से? कुछ तो था ना बेसिक, भूल गया सारा। पावर इक्वल, टॉर्क कहाँ से है? क्यों फोर्स नहीं करेगा? टॉर्क, टॉर्क फोर्स है? टॉर्क ये फोर्स है। हाँ ठीक, सही बता रहा है, थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ उसको, ठीक है, जंबलिंग कर रहा है। और कोई फॉर्मूला आया कहाँ से? चलेगा ना बेसिक बताया तो? बताऊं, बचपन में क्या पढ़ा था? पावर इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी ना, एनर्जी अपॉन टाइम ना, ये तो पढ़ा था कि नहीं बचपन में? एनर्जी या वर्क डन, बोल लो। वर्क डन क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और क्या पढ़ा था बचपन में? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब वेलोसिटी। तो पावर क्या हुआ? फोर्स इनटू वेलोसिटी हुआ कि नहीं? अच्छा, मैकेनिक्स पढ़ा, 12th किया, वी इक्वल टू आर ओमेगा तो पता है कि नहीं? हाँ कि नहीं? ये इसमें पुट कर दिया। अभी तो बोला फोर्स इंटू रेडियस मतलब टॉर्क, तो क्या आया? ओमेगा। ओमेगा मतलब क्या रहता है? तो आज भी वही पढ़ रहे जो बचपन में पढ़ा था, कुछ अलग है, ठीक है। तो ये याद रखना, पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी भी लिख सकते हैं ऑनलाइन में, एक एक मार्क के लिए क्वेश्चन। 10 न्यूटन फोर्स, 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, पावर इज डैश। ओके, छोटे 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 ट्रिक्स, क्लियर। और कन्फ्यूजन हुआ, यूनिट मैच कर लो, फिर से मैं यूनिट पे आकर देखो। पावर का यूनिट बोला वैट्स, वैट्स मतलब जूल पर सेकंड, जूल मतलब न्यूटन मीटर पर सेकंड, न्यूटन मतलब फोर्स, मीटर पर सेकंड मतलब वेलोसिटी। आए ना वहीं पे, क्लियर? ठीक, ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक लॉ आएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। जिस किस सब्जेक्ट में चल जाओ न्यूटन का लॉ है ही। ओके, इसलिए मैंने बोला सारी मुसीबत की जड़ न्यूटन है। ओके, स्टॉप करते हैं अपन आज।